हम लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि उसी क्षेत्र में है कि आप अगर देखेंगे तो हम लोग की जब सरकार यहाँ बनी थी आई थी तो उस समय जो स्कूल से बाहर छूट जाने वाले बच्चे थे उनकी संख्या थी लगभग साढ़े बारह प्रतिशत से अधिक थी जो स्कूल जा ही नहीं पाते थे चाहे गरीबी से हो चाहे पारिवारिक सामाजिक मजबूरी के कारण हो वो साढ़े बारह प्रतिशत बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते थे लेकिन आज मुझको बताते हुए आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश के लोगों को कि आज वो प्रतिशत एक प्रतिशत से भी नीचे आ गई है अभी हम लोगों ने पिछले दिनों संयोग से कोविड ने तो सबसे अधिक किसी क्षेत्र को प्रभावित किया है जी मतलब बुरे स्कूल ही कुप्रभावित करना जो करते हाँ। हैं तो वो शिक्षा का क्षेत्र ही है और हम लोग ये घोषणा करने वाले थे कि अब कोई भी स्कूल जाने की उम्र का बच्चा आज स्कूल से बाहर नहीं, नहीं छूट रहा है इसके लिए हम लोगों ने एक प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि जिसमें हमारे शिक्षक जनप्रतिनिधिगण सबका हमने कार्यक्रम बनाया था कि पूरे गांव में डोर टू डोर जाके जो कोई स्कूल जाने की उम्र का बच्चा घर में नहीं रहे सब स्कूल जाए ये कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया था ठीक उसी समय कोविड आ गया दो साल से तो आप सब लोग देख रहे, रहे हैं और ख़ास तौर से जो प्रारंभिक क्षेत्र जो प्राथमिक और मध्य विद्यालय होते हैं उस क्षेत्र में तो आप देखेंगे तो स्कूल की संख्या देखिए लगभग सत्तर हजार विद्यालय आज काम कर रहे हैं पहले छात्र शिक्षक अनुपात जो होता है जी वो उस पर अगर आप देखिएगा तो पहले वो पैंसठ सत्तर के बीच में हुआ करता था आज हम लोग पैंतालीस सैंतालीस के बीच में आ गए हैं इतने शिक्षकों को हम लोगों ने पद सृजित करके उनकी नियुक्तियाँ न्यूक्ति की हैं इसी तरीके से इतने हम लोगों ने आधारभूत संरक्षित संरचनाओं में विकास किया है कि जो पहले समझिए कि छात्र और वर्ग कक्ष मतलब स्टूडेंट और क्लासरूम का रेशियो था वो भी बहुत घट के पहले करीब सत्तर से ऊपर था चालीस पैंतालीस आ गया जो हम लोग लगभग नेशनल एवरेज के पहुंच गए तो इस तरीके से उस क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रगति की है और उसके नतीजे भी सबके सामने आ रहे हैं एक चीज हम बता दें कि हम संतुष्ट नहीं हैं कोई हम अपने जितना हम लोगों ने उपलब्धि हासिल की है जो हम लोगों ने अचीव किया है ये हम लोगों हम लोग खुद इसे संतोषप्रद नहीं मानते हमें अभी और भी आगे जाना है लोग इसी सिलसिले में बात करते हुए एक बड़ा जो हॉट टॉपिक रहता है बिहार में कि शिक्षकों की भर्ती समय पे नहीं हो पा रही है उसमें डिले हो रहा है तो बिहार के लोग ये जानना चाहेंगे और ख़ास करके जो शिक्षक वर्ग के लोग हैं उनके लिए आप बताइए कि आपकी सरकार अभी क्या कर रही है ये बड़ा प्रासंगिक मुद्दा आपने छेड़ा है जी हम लोग खुद सरकार की तरफ से समय समय पर जो शिक्षक के योग्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए और अभिभावकों के लिए भी बताते रहे हैं जी। कि चाहे प्रारंभिक शिक्षा यानी वन टू एट की हो या फिर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक एट से लेकर एलेवन तक की हो ट्वेल्व तक की हो जी। हम लोग शिक्षकों की नियुक्ति का अभियान चला रहे हैं और अभी तक पिछले ही महीने हमने बयालीस हजार शिक्षकों की नियुक्ति की है और अभी अगले फेज में हम लोग लगभग सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने वाले हैं और जो अभी हम आर के सिंह जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जी कि उन्होंने सरकार के कई सफल और प्रभावकारी नीतियों की चर्चा की है। उसमें हर पंचायत में एक प्लस टू विद्यालय खोलने की है सही बात है उन्होंने बहुत ही सही ढंग से उसका जिक्र किया कि शायद देश में कहीं इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम एक साथ नहीं उठाया गया होगा हम लोगों ने पाँच हजार से अधिक मध्य विद्यालयों को जहाँ पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था हम लोगों ने माध्यमिक विद्यालय में उनको उत्क्रमित किया है जी 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 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बल्कि अब कोई सीधे माध्यमिक नहीं होता है हम लोग जो माध्यमिक हैं उसको उच्च माध्यमिक यानी प्लस टू और अभी पिछले महीने सत्रह तारीख को हम तीस हजार शिक्षकों की नियुक्ति करने वाले थे पता नहीं लेकिन कभी कभी हम लोगों न्यायिक हस्तक्षेप जो हो जाता है जुडिशियल इंटरवेंशन जो होता है उसके कारण हमारे हाथ बंध जाते हैं हम लोगों ने तो ये नियुक्तियाँ जो अभी बयालीस हमने किए और एक लाख करने वाले हैं वो भी रुकी हुई थी न्यायालय में मामला पेंडिंग था हम लोगों ने प्रोएक्टिवली विभाग की तरफ से लगातार कोर्ट से अनुरोध करते हुए हमने तो लास्ट में यहाँ तक कहा कि भाई आप जिनको कहिए जैसे कहिए नियुक्तियाँ करने के लिए हम तैयार हैं हमको लेकिन नियुक्ति करने दीजिए आप जो फॉर्मूला बना दीजिए जो क्राइटेरिया बना दीजिए जो प्रोसीजर तय कर दीजिए लेकिन कुछ आरक्षण से रिलेटेड बात है हमने कहा कि आप कहिए तो उतना पद हम रिजर्व करके छोड़ देते हैं बाकी पदों पर करने दीजिए बहुत आरज़ू मिन्नत के बाद न्यायालय ने इजाजत दी तो अभी बयालीस हज़ार किया है सब लोगों की इच्छा रहती है विजय चौधरी जी कि बिहार बाकी स्टेट के मुकाबले जो दूसरे प्रोग्रेसिव स्टेट हैं उससे मुकाबला हम कैसे करें उसके लिए क्या मैप है सरकार के सामने देखिए हमको तो हमने शुरू में ही कहा कि हम बहुत आगे बढ़े हैं लेकिन हमें इस बात का एहसास है कि हमें अभी बहुत दूर चलना है ख़ास तौर से जो हायर एजुकेशन है अभी आर के सिंह जी भी कह रहे थे और हम समझते हैं जितने अगर यहाँ स्कूल वाले लोग होंगे सबकी इच्छा होगी एक यूनिवर्सिटी खोलने की आर के सिंह जी भी बोल रहे थे बिल्कुल और हायर एजुकेशन जो होता है मूल रूप से वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक तरह से अंतिम पड़ाव पर पहुँचते हैं शिक्षा ग्रहण करने के अंतिम छोड़ पे होते हैं जहाँ से चाहे उनका अपना रेगुलर जीवन शेष जीवन बिताने की दिशा तय होती है हायर एजुकेशन या जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो एजुकेशन होते हैं उस क्षेत्र में हमें और भी काम करना है और इस बार उस क्षेत्र में भी हम लोगों ने बहुत काम किया है बाकी जो डिस्टेंस एजुकेशन है हमारा जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है उसके माध्यम से हम लोग ढाई सौ से अधिक ब्लॉक्स में यानी प्रखंडों में भी एजुकेशन सेंटर्स खोल रहे हैं और बाकी धीरे धीरे सभी प्रखंडों को भी इससे आच्छादित करने की योजना है इसलिए हम लोग लगातार इसमें आगे काम कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भी कोई विद्यार्थी चाहे गांव का हो देहात का हो गरीब हो अगर उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उसको कोई परेशानी नहीं निश्चित तौर पे जो भौगोलिक स्थिति है जिसकी चर्चा इन्होंने की बिहार के लोग अवगत हैं बिहार के बाहर के जो लोग हैं वो भी जानते हैं इस बात को कि हर साल किस तरह से बारिश और बाढ़ की वजह से बिहार प्रभावित होता है लेकिन इसके बावजूद भी जो सरकार की नीतियां हैं शिक्षा को आगे बढ़ाने को लेकर सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है नीतीश सरकार क्योंकि जो सोशल सेक्टर है उसको लेकर नीतीश जी काफ़ी आगे रहते हैं और लगातार बढ़ावा देने का काम करते हैं आप हमारे साथ आए और बातचीत की आपने दिल की बात रखी राज्य सरकार की जो नीतियाँ हैं चुनौतियाँ हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं उसकी बात की आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद हम चाहते हैं कि तमाम लोग इनके लिए तालियां बजाएं स्वागत करें कीजिए हिंदी क्लब को दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके ये सब बिल्कुल फ्री है